यूक्रेन पर अब रूस की निर्णायक तैयारी भी है और नए सैनिकों की भर्ती का ऑर्डर कर दिया गया है। पुतिन ने सेना में अब नई भर्ती के आदेश दिए हैं और कल से ही रूसी सेना में नई भर्ती हो रही है। हालांकि रूस की इस बड़ी तैयारी को किस तरीके से देखा जाएगा, आने वाले वक्त में बदलते मौसम के तहत किस तरीके से अब ये भर्तियां की जा रही हैं और जो डिप्लॉयमेंट्स अभी तक रूसी सैनिकों की जिन लोकेशंस पर हुई है उन लोकेशंस को देखते हुए कैसी बड़ी तैयारी अब पुतिन की सेना कर रही है और पुतिन की सेना में हो रही नई भर्ती के आदेश को लेकर आज ये बड़ी खबर आई है। तो रूस की बड़ी तैयारी के बारे में हमने आपको बताया कि सर्दियों से पहले नई भर्तियां हो रही हैं। अब इसी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन वॉल पर जल्दी से आपको बता देते हैं। आखिर क्यों रूस सर्दियों के पहले नई भर्ती कर रहा है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का नई भर्ती का ऑर्डर है, यानी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने का। 1 अक्टूबर से नए सैनिकों की भर्ती का ऑर्डर पुतिन की ओर से दिया जा चुका है और इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों से भी भर्ती होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही साथ डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया में भी नई भर्ती होगी, पुतिन ने यह भी कहा है। यानी पूरी एक रणनीति तैयार की गई है। 1,30,000 जवानों की भर्ती का आदेश जारी किया गया है। बड़ी संख्या में सैनिकों की, जवानों की भर्तियां होगी और 18 से 27 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। यानी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उन्हें ही सिर्फ भर्ती के लिए बोला गया है कि कैपेबल है। 18 से 27 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी और ये पुतिन का ऑर्डर है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब रूस एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरने वाला है, क्योंकि अब रूस के सामने, पुतिन के सामने बड़ी चुनौती है सर्दियों से पहले यह युद्ध खत्म हो जाए। इसकी वैगनर की तैनाती भी की जा रही है जिसके तहत नई भर्ती हो रही है। इसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। रूस के एक्शन पर अब 5 बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। ये देखिए मेरे सामने ये सवाल है। पहला सवाल ये, क्या फ्रंट लाइन पर रूसी सेना मुश्किल में है? दूसरा सवाल है कि क्या क्रीमिया पर रूस में पैनिक है, टेंशन है? तीसरा सवाल यह है कि कब्जे वाले इलाकों में डिफेंस लाइन क्या कमजोर हो गई है, ढीली पड़ गई है? यूक्रेन की तैयारी ने रूस को सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या? और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कामयाब हो रहा है?